हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं संजय दत्त की आने वाली अपकमिंग फिल्म के बारे में। संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म है खलनायक 2। ये फिल्म 19 की फिल्म खलनायक का ही पार्ट होने वाली है। जैसे कि फ्रेंड्स, आज के टाइम में संजय दत्त फिल्मों में विलन का रोल निभा रहे हैं, तो ये फिल्म कैसे बनती है आगे जानते हैं। इस फिल्म को पहले वाले स्टार कास्ट को ही लेके बनाया जाएगा। इसका मतलब भी संजय दत्त फिर से बलराम यानी कि बल्लू प्रसाद का ही रोल निभाते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं इस फिल्म में कौन से स्टार होने वाले हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई की माने तो इस फिल्म में पुरानी ही स्टार कास्ट देखने को मिल सकती है, यानी कि इस फिल्म में संजय दत्त, जोकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित नज़र आ सकते हैं। तो अभी तक फिल्म की कहानी को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन फैंस भी बहुत एक्साइट है इस फिल्म को लेकर। इस फिल्म की रिलीज डेट को भी लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई है। क्या फैंस ये फिल्म पिछली फिल्म खलनायक की तरह धमाल मचा पाएगी या नहीं। और वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए।